दोस्तों, इस वीडियो में जो कवर करने वाले इंग्लैंड वुमेंस वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेंस का जो कि फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा, अगर आप देखो तो टेस्ट मैच है और ये मैच ना इन्वेस्टमेंट के लिए वुमेन मैच है, तो डेफिनेटली आप स्मॉल इंग्लैंड दोनों टारगेट कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी मैंने श्रीलंका वुमेंस वर्सेस इंडिया वुमेंस का वीडियो अपलोड कर, आप इसे चेकआउट कर सकते हो चैनल पर। इसके बाद मैं दूसरा मैच कवर करूँगा ये वाला, ठीक है, ये मैच भी कवर करेंगे। अभी हम इस मैच पर फोकस करते हैं जो कि मुझे काफ़ी सही मैच लग रहा है। लेकिन उससे पहले मैच तो कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाए, तो फाइनल टीम के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको फाइनल स्मॉल लीग ग्रेल टीम शेयर कर दूंगा डेढ़ लाइन से 15 मिनट पहले। सबसे सारे सबसे बेस्ट मेथड है, मैं एक लिंक पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है आप उसके थ्रू आ जाइएगा। मेरी बात मानो, मैं एक लिंक पिन कर दिया, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप कहेंगे अभी के टाइम 38,400 से ज़्यादा लोग है, 38,400 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं, तो जोर से आप भी कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक उसके थ्रू कर लेना। अगर आपको सर्च करना तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार ज़्यादा सर्च करना F11 टीम, चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, अपने स्पेस देखकर सर्च करो F11 टीम तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स के लिंक से आ जाना, लिंक 100% काम करता है। और श्रीलंका वर्सेस इंडिया वुमेन का जो मैच है उसको भी देख लेना, तो जोर से ज्वाइन कर, जहाँ पर डेली विन करते हैं हम लोग, डेली की डेली देख सकते हो डेली की, तो जोर से ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर डेली फ्री विनिंग टीम प्रोवाइड करते मैं और मेरे टीम मेंबर्स भी T10 में, टीम मेंबर्स कवर करते हैं और मैं यहाँ पे आते हैं इंटरनेशनल मैचेस और प्रोफेशनल मैचेस, तो जोर से ज्वाइन कर लेना 3 मेंबर्स और 4 मेंबर्स के लिए। एंड बात करें दोस्तों, ये ना फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा। बात करते वेन्यू वगैरह मैं फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका दूसरा मैच भी कवर करना है और ये मैच है सही इन्वेस्टमेंट के लिए, अमाउंट एवरेज इन्वेस्ट करना, ठीक है। बात करें दोस्तों, ये मैच खेला जाएगा करीब 3:30 पे स्टार्ट हो जाए, यानी आपको एक्टिव रहना है, एग्जैक्टली 3 बजे आपको एक्टिव रहना है। बात करते पिच रिपोर्ट, 200 विकेट है ये ना, इस विकेट पर ना पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, अपने टीम में पेसर्स को जोर से कवर करके चलना, पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है टीम की तरफ से, पेसर्स को कवर करके चलना इंपॉर्टेंट है टीम की तरफ से। उसके अलावा बात करते वेन्यू, मैं बता दूँ ये मैच खेला जाएगा द कॉपर एसोसिएट कंटिन ग्राउंड में मैच खेला जाएगा, ठीक है, इंग्लैंड में खेला जाएगा। एंड ये बात करते हैं लाइनअप्स जो कि इंपॉर्टेंट है, इनका लाइनअप्स बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लाइनअप्स है। एक बार देखो, ओपन करने वाले इमाल हम ओपन करें जो कि टीम से बैटिंग ऑलराउंडर है, हर कोई जानता है जब इनके मैचेस होते हैं सबसे बेस्ट रहते हैं CVC के लिए, ओपन करेंगे टैमी वेमन के साथ ओपन करेंगे। हैदर नाइट जो कि कैप्टनसी करेंगे, वन डाउन बैटिंग करेंगे, नेटलेस कैबर जो कि फोर्थ है बैटिंग करेंगे, नो डाउट सबसे ज्यादा कंसर्ट प्लेयर नेटलेस कैबर, वन और टू डाउन बैटिंग करेगी, प्लस कंफर्म ओवर पाएगी हैज अ फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन है नेटलेस कैबर, तो डेफिनेटली बॉलिंग करेगी। उसके अलावा एमिन जोन्स जो कि टीम फिफ्थ है बैटिंग करेगी, सोफिया डंगले जो कि सिक्स है बैटिंग करेगी, अलीगढ़ चार डेविड शॉट में इस बार अवेलेबल है, मतलब इनके पास ऑलराउंडर्स इस बार भर के ऑलराउंडर्स है। उसके बाद चार्लो डेन है, सोफिया लिस्टोन जो कि बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेती थी और साथ ही टीम से तब से करंटली काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही थी, और जो फेयर ब्रेक चल रही थी उसमें भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही थी, इंपॉर्टेंट पिक रही है। उसके अलावा फैरन डेविस, लॉरेन बेल में से कोई, जिस वजह से लॉरेन बेल T20 की काफ़ी अच्छी प्लेयर मानी जाती है, और फैरन डेविस जिसके खेलने के चांसेस हाई है इस मैच में। उसके लिए केटी क्रॉस जो कि हर कोई जानता है टीम से कॉन्सर्ट प्लेयर है, डेफिनेटली टीम से विकेट लेके देगी देगी, और करंटली फॉर्म में काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो ये है इमाल, मतलब कि ये इंग्लैंड वुमेंस का लाइनअप्स विद बैटिंग ऑर्डर, यही बैटिंग ऑर्डर होनी चाहिए और यही लाइनअप्स होनी चाहिए। एंड बात करते हैं साउथ अफ्रीका वुमेंस का जो कि होनी चाहिए, एक सेकेंड है, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका वुमेंस की टीम ओपन करेगी, टीम की ना यंगेस्ट एंड टैलेंटेड बैट्समैन ओपन करेंगे, एंड्रे स्टैन ओपन करेंगे टीम से, काफ़ी अच्छी प्लेयर है ना, साउथ अफ्रीका डोमेस्टिक मैचेस की ना कैप्टनसी करती है, अच्छी प्लेयर है साउथ अफ्रीका जो डोमेस्टिक वुमेंस है ना उनकी कैप्टनसी करती है, अच्छी प्लेयर ओपन करेंगे लॉरेन वॉलबेट के साथ, ओपन के टीम से काफ़ी अच्छी वॉलबेट है टीम की तरफ से। उसके अलावा लारा गर्डल जो कि टीम तरफ से वन डाउन बैटिंग करेगी टीम से, गर्डल काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी क्योंकि गर्डल फॉर्म में चल रही है, रिसेंटली जो सी चल रहा था उसमें एक अच्छी फॉर्म में चल रही थी। उसके ना सुनील जो कि फोर नाइन बैटिंग करेगी, बॉलिंग भी पाएगी, लीजा ली जो कि इस मैच के लिए अवेलेबल एक ओपनर है, देखते ओपन करेगी कितने नंबर बैटिंग करेगी, बट प्रोल के हिसाब से फिर बैटिंग करेगी, जबरदस्त हीटर है हर कोई जानता है इनको, लीजा ली एक विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग भी कर सकती है, मे भी टीम से ना ओपन भी करने आए, बट मेरे हिसाब से इस मैच ओपन नहीं करनी चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। उसके अलावा एनिका वो जो कि वन मसीना कैप जो कि सिकना बैटिंग करेगी टीम से कॉन्सर्ट पे सबसे ज्यादा, एनिका वो जो कि वन बैटिंग करने प्लेयर है, नैले क्लैक, उसके अलावा टोमी से क्यों खेलते जब पा रहे एन मलबा और सिनालो जफ्टा। तो ये दोस्तों साउथ अफ्रीका वुमेंस का लाइनअप्स देख लो, यहाँ पे इनके बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन देखो, क्योंकि एनिका वॉच वर्नर बैटिंग करने वाली प्लेयर, बट इस मैच के मतलब बहुत नीचे बैटिंग करेगी, मजीना कैप मतलब मिडल ऑर्डर बैटिंग नहीं लोअर डाउन बैटिंग करेगी, साथ ही साथ लीजा ली ओपनर है तो ओपन नहीं करेंगे इस मैच में, जो ओपनर से मैं आपको बता चुका हूँ एंडरसन कन्फर्म ओपन करेगी, क्योंकि एक ओपनर है कभी भी नीचे बैटिंग नहीं करती है, अच्छी प्लेयर टीम की तरफ से, और लॉरेन वॉलबेट तो ओपन करेगी करेगी। बाकी जो अपडेट्स देंगे मैं आपको टेलिंग चैप पे जरूर से शेयर कर दूँ, देखो यार मैं स्टैट्स पे फिर नहीं करते कि स्टैट्स के पीछे इतना पढ़ो, क्योंकि अगर मैं स्टैट्स निकाले बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा और ज़्यादा टाइम ही नहीं मैच स्टार्ट होने में। तो सीधे सीधे बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस जो कि वीडियो को सबसे मेन पार्ट है, मैंने कहता आप स्टैट्स कितना पीछे पढ़ो, क्योंकि फाइनली आपको टेलीग्राम पर शेयर कर ही दूंगा, तो उसके लिए टेलीग्राम चैप एक्टिव रहना।
एंड बात करते प्लेयर वाइज एनालिसिस, अभी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि हाँ बोला कि स्टैट्स कुछ नहीं रहेगा देखना। बात करें विकेट कीपर सेक्शन से लेकर उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब बेल को ऑन कर ऑल पर सेट कर जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिला है। और ना यार बहुत एफर्ट्स लगाए, 1500 वीडियो कंप्लीट हो चुका है हमारा, 1500 वीडियो समझ रहे कितना मतलब एफर्ट्स लगाया लास्ट मतलब 3 सालों में, मैंने मतलब कि अपलोड किया था सिर्फ 300 वीडियो लास्ट 2 सालों में, और ये जो लास्ट 1 साल था ना 2021 से 2022 तक, इसमें मतलब कि 1200 वीडियोस अपलोड किया, तो समझ सकते कितना एफर्ट्स लगाया। खैर बात कर विकेट कीपर से एमिन जोन सबसे बेटर ऑप्शन है कि टीम से कवर करके चलना, टीम से एक मस्ट पिक होनी चाहिए। उसके अलावा हैदर नाइट इंपॉर्टेंट है, लॉरेंट वॉलबर्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है क्रेडिट पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ने वाली है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, देखते हैं किसके ऊपर ड्रॉप करेंगे। उसके अलावा लिजा लिस्ट थोड़ा नीचे बैटिंग करेगी, एंडरस्टैंड काफ़ी अच्छी प्लेयर, ये ना टेस्ट मैचेस की भी काफ़ी अच्छी प्लेयर है, ये सेंचुरी इजीली लगा देती है। तो अभी साइड के नीचे देख लो लारा गोडल वगैरह है जो कि ना एनिका वॉच, ये टीम से बैटिंग वॉल तो नहीं कर लेगी, तो 8 विकेट पर काफ़ी अच्छी प्लेयर आपको मिल रही है, खेलते जब को आ जाएगी लेकिन थोड़ा सा नीचे बैटिंग करेगी, बॉलिंग पा सकती है अच्छी अमाउंट, वो भी अच्छी प्लेयर टीम वैसे। उसके अलावा ऑलराउंडर से नेटलिस का मजीदा कैप सुनील यूस इंपॉर्टेंट है, इमालेम देखो चारों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ड्रॉप करना मुझे मिस करना पड़ रहा है वहाँ पर ना एनिका वॉच को, जो कि काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंड को मुझे मिस करना पड़ेगा क्योंकि चारों ऑलराउंडर्स कॉन्सेंट है, चारों में से देखो इमाल ने भी अच्छी प्लेयर नो डाउट की, खेलते जब आ जाएगी टीम तरह से ना बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेती है, अच्छी फॉर्म में रहती है टीम की तरफ से, देखते हैं अभी अगर कोई अच्छा प्लेयर मिले तो अभी ड्रॉप करेंगे। उसके लिए सोपिले सॉर एक हका अभी प्रोल लाइनअप लिखा नहीं कि एक हका खेलेगी, जहाँ तक मैंने अभी लाइनअप चेक किया था, एक साइड दिखा देता हूँ, ये लाइनअप एक हका है नहीं लाइनअप से, कैटेगरी को कवर करके चलो इंपॉर्टेंट है, 8.5 किट बचता है, आप ट्राई कर सकते हो। इस केस में ना देखो अब मुझे इसी चीज़ का डर था कि बहुत ज़्यादा किट, अब तो मैं सुमन स्पैन को ट्राई कर पा रहा हूँ, नेडल क्लेक जो कि बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेती है इनको ट्राई कर सकते हो, कोई अच्छी प्लेयर टीम से उसके नीचे कुछ खास नहीं है सिवाय टूमिन सेकेंड जो टीम से 8 किट में काफ़ी अच्छी प्लेयर आपको मिल रही है, तो मैं ड्रॉप करना चाहूँगा नहीं, इमालेम को जगह पर पिक करना चाहूँगा। अब देखोगे अगर आप एलिक रिचार्ड्स को लेते हो नतीजों की अच्छी प्लेटिंग में ये ना बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर लेती है, हालांकि बॉलिंग से विकेट टेकिंग प्लेयर बट इमालेम इतना स्कोर नहीं कर पाती है, हालांकि अच्छी प्लेयर है नो डाउट, तो मेरे 8.5 के मेरे पास सिर्फ एक ही अच्छे प्लेयर मुझे देख रहे हैं टी सेक्यू या फिर जाओ अंडरस्टैंड के साथ, जो कि आप नहीं जा पाएंगे तो टीम से खेलने के साथ ही जाओ, तो ओवरऑल मेरी टीम बची। देखो अपने टीम में ना नो डाउट सुमिन स्मिथ अच्छी प्लेयर टीम से विकेट टेकिंग प्लेयर, बट कीड़ी बहुत सारा प्रॉब्लम पड़ रही है यार, तो अपने फाइटिंग में दूसरा ट्राई करूँगा, अगर मैं इमालेम को ड्रॉप करके मैं ट्राई करूँगा ना अपने टीम में एंडरस्टैंड बोल रहा हूँ ट्राई करूँगा अलीकर चार्ट्स को, तो वो आपके लिए मतलब कि उस किस्म आपका टीम में आ जाएगी, अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, बट क्या है ना कि इमालेम ओपन करती है अच्छी प्लेयर टीम इस मैच के लिए अवेलेबल है, ओपन करने वाली है क्योंकि डेनो वाट वगैरह है नहीं, तो ये ओपन करके डेफिनेटली टीम में से अच्छी प्लेयर, मेरा मन नहीं कह रहा कि ड्रॉप करो, मैं इमालेम के साथ ही जाऊँगी कि बैटिंग में दोनों कर लेते करेंटली फॉर्म में चल रही है, तो अच्छी प्लेयर रहेगी, जो सीरीज चल रहा था ना इंग्लिश T20 उसमें अच्छी फॉर्म में चल रही थी, इंग्लिश वुमेंस T20 तो उसमें अच्छी फॉर्म में चल रही थी, इसलिए कवर करके चलना चाहूँगा। अगर आप इनकी जगह पहले रिचार्ड्स को लोगे तो आपके पास 0.5 किट बच जाएगा, उसके साथ ट्राई कर सकते हो, फिलहाल के लिए साइड रखते हैं, मुझे तो उतना विकेट गिरेंगे। कैप्टन पर सारा गेम आता है, जो रिस्क टेकर है वो क्या करेंगे ना इनकी जब अंडरस्टैंड को मैनेज कर लेना एक दो टीम में ग्रैली टीम में खेले, तो मैं ग्रैली की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, अगर बात करें तो कैप्टन कैप्टन में जाना चाहूँगा। देखो ये सिर्फ डेमो टीम है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जोर से बॉलिंग लाइनअप्स में, इस बात का ध्यान रखना ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि बॉलिंग लाइनअप्स बहुत सा अलग ही है। कैप्टन कैप्टन में बात करते हैं तो कैप्टन जो सबसे बेटर ऑप्शन है नो डाउट 3-4 मुझे सबसे बेटर ऑप्शन दिखाया, पहला देखो जो सबसे बेटर नेटलिस काइवर, दूसरा मजीना कैप, तीसरा सुनील यूस, और उसके अलावा इमालेम भी सही रहेगी, और लॉरेन वॉलबर्ट हैदर नाइट ये काफ़ी सही है सीबीसी के लिए, सोपिल स्टोन भी काफ़ी सही क्योंकि बैटिंग में अभी काफ़ी अच्छी कर रही है, केटे क्रॉस भी सही रहेगी। उसके अलावा आपको पता है टिमिन सिकन एक ऐसी बॉलर है जो कि जब भी विकेट है तो 3-4 विकेट लेके जाती है, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि हाँ यार सुपर स्मेल गुड नो डाउट वो भी अच्छी प्लेयर है, न्यू बॉल से स्टार्ट करेगी, अगर आपको लगता है नहीं स्टार्टिंग विकेट गिरेगी इमालेम को तो कवर करके चल सकते हो, मुझे तो इतना विकेट गिरेंगे। कैप्टन के लिए जाना चाहूँगा मेरा जो कैप्टन है नेटलिस का फिक्स है कैप्टन क्योंकि कॉन्स्टेंट पे है, हैज़ अ फिफ्थ बॉलर है टीम की तरफ से तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा वाइस कैप्टन जाना चाहूँगा टीम की तरफ से, मजीदा कैप के साथ जाओ या फिर सुनील यूस के साथ जाओ या फिर हैदर नाइट के साथ, हैदर नाइट में आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा हैज अपना वाइस कैप्टन के लिए, फिलहाल के लिए मैं अपना वाइस कैप्टन केटे क्रॉस सोपिल स्टोन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, सोपिल स्टोन आपको विकेट लेके ज़्यादा दे सकती है, बट मजीना कैप कॉन्स्टेंट है, विकेट लेना इनको आता भी है और साथ ही टीम की तरफ से बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेती है, और टेस्ट मैच के स्टार प्लेयर है, टेस्ट नहीं साउथ अफ्रीका की स्टार प्लेयर है। तो दोस्तों ये थी मेरे स्मॉल ही कलूँ, हालांकि देखो इस टीम में डेफिनेटली मैं 3 से 4 चेंजेस जरूर से करूँगा, पहला अपनी टीम में ट्राई कर सकता हूँ, अपनी टीम में सुमन स्मिथ को ट्राई कर सकता हूँ फाइटिंग क्योंकि विकेट ले वो भी न्यू बॉल से स्टार्ट करती है तो उनको विकेट ले मिल सकता है, दूसरा मैं चेंजेस ये कर सकता हूँ किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर रिस्क ले सकता हूँ जो कि मुझे थोड़ा सा डाउट लगेगा,
और अपने टीम में पेसर्स को ज़्यादा ट्राई करना, कोशिश करना कि पेसर्स को ट्राई करने के लिए। जैसे कि मैं ट्राई किया हूँ, देखो मजीना कैंप जो कि टीम से फास्ट बॉलर है, मैंने इनको ट्राई किया हूँ एज अपना वाइस कैप्टन, इसीलिए मैंने टीम ज़्यादा पेसर्स को ही कवर किया हूँ। देखो इसीलिए सेम टीम के साथ आप जा सकते हो, कोई चेंजेस हो तो आपको टेलीग्राम पर जरूर अपडेट करूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेम टीम का स्क्रीनशॉट ले लो, जाके कॉन्टेस्ट को बुक कर दो, बस अपना वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हो या फिर अपनी टीम में सुमन स्मिल को ट्राई कर सकता हो, देखना। खैर वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पे जरूर से कर दूँ, तो फाइनल टीम क्लब को टेलीग्राम से जरूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी ग्रैंड टीम में आप जरूर से हैदर नाइट को एज ए कैप्टन और साथ ही साथ सुनील यूज़ को अपना वाइस कैप्टन रोटेट कर लीजिएगा, और ईमा लैम को जरूर से यूज़ कर, क्योंकि मैं ट्रम्प कार्ड यूज़ करो अपने टीम में। अगर आप चाहो तो ईमा लैम की जगह पर भी यूज़ कर सकते हो सुमन स्मिल को, और आप लगता नहीं यार ईमा लैम ज़्यादा इसको नहीं कर, बट ये ना सेंचुरी भी लगा सकती है, ऐसी प्लेयर है। तो सेम टीम से जा सकते हो, कोई चेंजेस होगा तो टेलीग्राम पर अपडेट में जरूर से करूँगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, हाँ ये डाउट है, मैं अपना डाउट जरूर से क्लियर कर दूँगा। बाकी वीडियो देख लेने धन्यवाद, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। बाकी बहुत एफर्ट्स लगे वीडियो को बनाने में, दो तीन चेंजेस करूँगा, बता दूंगा आपको टेलीग्राम पे, एक्टिव रहना आपको टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, कमेंट बॉक्स पिन करना, उसके थ्रू ज्वाइन कर लेना।